हेलो। तो व्हाट्सअप का सबका स्वागत है मेरे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, ये वीडियो आप थंबनेल और टाइटल देख चुके होंगे। दोस्तों एक नया गेम लॉन्च होने वाला है फौजी, जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है जल्दी से जल्दी, अंडर 2 मंथ्स के अंदर दोस्तों जल्दी लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों ये गेम जो बोल रहे हैं सभी लोग, जो इंडिया का गेम है, इंडिया का गेम है, तो दोस्तों उन सबके डाउट मैं क्लियर करना चाहूँगा आज इस वीडियो में। और दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करना दोस्तों, कुछ भी बुरे कमेंट मत करना, क्योंकि दोस्तों हम इंडिया के सपोर्ट में, ना कि इंडिया के बाहर से गवर्नमेंट के भी सपोर्ट में, इंडियन आर्मी के भी सपोर्ट में। तो ये वीडियो में जो भी बताऊंगा दोस्तों सब सच है दोस्तों, कोई झूठ नहीं है। दोस्तों चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर दोस्तों शेयर करो कि दोस्तों बुरी बुरी चीज़ें ना फैलाएं। ये वीडियो को पूरा देखो और थोड़ा भी स्किप मत करो दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले फौजी जो गेम लॉन्च होने वाला है, तो दोस्तों इसको लॉन्च करने के जो एक्टर है अपने अक्षय कुमार सर, अक्षय सर जो है अपने इसको गेम को शेयर कर रहे हैं हर जगह, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और बहुत जगह शेयर कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे। क्यों भाई अक्षय कुमार क्यों, दूसरे हीरोज भी है भाई। तो इसका रीजन मैं बाद में दूंगा दोस्तों आप लोगों को। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो दोस्तों जो अक्षय कुमार सर ने यहाँ पे डाला है इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, यहाँ पे देख लो तो सामने स्क्रीन आ रही है आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोस्तों ये गेम जो लॉन्च होगा इंडिया में और इंडियन गेम कहलाएगा, इसका 20% इंडियन आर्मी को जाएगा। तो दोस्तों मैं एक बात करना चाहूँगा भाई, 20% ही क्यों दे रहे हो, 40% भी दे सकते हो ना, क्यों भाई 20% ही क्यों इंडियन आर्मी को, ज़्यादा भी तो दे सकते हो। और एक बात बताओ दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी के नाम पे ये गेम खेलोगे, उसमें कुछ भी अगर परचेस करते हो, मान लो आप 100 रुपये परचेस करते हो, तो उसके 20 रुपये आप इंडियन आर्मी को दे रहे हो, बाकी का 80% जो है ये लोग ले रहे हैं दोस्तों एनकोर गेम्स। और दोस्तों सभी लोग बोले इंडियन गेम होने वाला है, तो दोस्तों ये गेम जो डेवलप होने वाला है, जो फौजी गेम, ये शूटिंग गेम होने वाला है ना कि बैटल रॉयल। तो शूटिंग गेम में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है कुछ भी। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ये एनकोर गेम की वेबसाइट है, मैंने जाके वहाँ से डिटेल्स निकाली थी। तो ये ध्यान से देख लो दोस्तों ये वाले पेज को, ये गेम रोवियो जो अपना एंग्री बर्ड गेम था दोस्तों 2 साल पहले जो बहुत फेमस था एंग्री बर्ड, उसी का ही गेम है दोस्तों, ये एनकोर गेम्स उसी कंपनी का ही गेम है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देख लो। और इसकी वेबसाइट आप जाके देख सकते हो गूगल पे सर्च करके एनकोर गेम्स कहाँ से रोवियो, दोस्तों रोवियो गेम्स का है। तो ये इंडिया की गेम नहीं है दोस्तों, पहले मान लो ये इंडिया से नहीं है गेम। दूसरी बात दोस्तों, ये भाई ये इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि भाई उनको पता है, क्योंकि बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनके चैनल पे बैन होने का है एक नुकसान, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कोई भी। तो आप सपोर्ट करो दोस्तों, मैं नहीं चाहता बोल तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गेम नहीं खेलेंगे, तो भाई खेलेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन इंडिया के आप बोल तो अपने शहीद जवानों के नाम, इंडियन आर्मी के नाम पे आप ले रहे हो पैसा, और भाई बाकी का 80% कहाँ लगा रहे हो बोलो, 80% खुद के जेब में ही जा रहे हैं ना उनके जेब में, तो भाई ऐसा क्यों 40% ही दे दो इंडियन आर्मी को, 20% ही क्यों ज़्यादा दे दो थोड़ा। दोस्तों ये बात को सबको वीडियो को शेयर करो, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। और अपने जो अपने बंदूकबाज गेमिंग जो पबजी के प्लेयर है, उन्होंने भी यही डाला है, तो उनकी वीडियो के नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों इसको डेवलप करने वाले इंडिया से एक डेवलपर है ये दोस्तों, उनका पोस्ट। और आत्मनिर्भर अपना जो चल रहा है प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर, उसी योजना के तहत ये लाया जा रहा है गेम। दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर पहले से ही लाना चाहते थे गेम भाई, पहले क्यों लाए, क्यों नहीं लाए, पबजी बैंड होने के बाद ही क्यों लाया गया भाई ये गेम, ये बताओ, पहले भी तो ला सकते थे ना। दोस्तों ये टॉपिक के बारे में बस बात करना चाहता था, थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ दोस्तों अपने बंदूकबाज भाई को भी, उनके चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उनकी वीडियो जाके देखो, सपोर्ट करो। और दोस्तों समझो यार, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ इंडियन आर्मी के बारे में, या किसी भी गवर्नमेंट के, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सपोर्ट में दोस्तों क्यों भाई 20% क्यों ज़्यादा भी दे सकते हो, तो लोग गंदे गंदे कमेंट मार के जाएंगे भाई तू इंडियन आर्मी के सपोर्ट में नहीं है, भाई मैं सपोर्ट में हूँ तो भाई 40% क्यों, परसेंटेज की बात है भाई, इधर इमोशंस की है हमारे इंडियन आर्मी के ऊपर, इमोशंस की है भाई, वो शहीद होते हैं हमारे इंडियन आर्मी वाले, तो उनके उनके ऊपर है दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करो, ताकि 40% 40 से ज़्यादा ही मिलना चाहिए भाई, तुम उनके नाम पे लूट रहे हो और 80% लूट रहे हो, ये तो गलत बात है भाई। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।